दोस्तों नमस्कार। अगर आपके लोग के पंजे में दर्द है और पंजे में दर्द काफी है, ठीक नहीं हो रहा है, आपने कुछ दवाएं भी की है उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिएगा कमाल, एकदम से ठीक हो जाएगा। और आज हमें प्रश्न किया है हमारे सब्सक्राइबर सुषमा शेखावत जी ने, और इन्होंने पूछा है, सर रोगी के पंजे में दर्द हो रहा है, घरेलू इलाज बताइए। देखिए बात चल रही है टोटली घरेलू इलाज की, तो घरेलू इलाज अगर पंजे में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करें। देखिए नंबर वन जो आपको काम करना है वो है कि आप लीजिए काला नमक। क्या लेंगे आप? काला नमक आपको इजीली नजदीकी जो भी किराना स्टोर है उस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसे कूट पीस करके और पाउडर बना लीजिएगा काला नमक। नंबर टू आपको लेना है फिटकरी, चाहे आपको लाल फिटकरी मिले या फिर आपको सफेद फिटकरी मिले, आप फिटकरी को भी पीस लीजिए। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच फिटकरी, इन दोनों को आपको पानी में डालना है, लगभग आधा लीटर पानी लीजिए और दोनों को डाल दीजिए और फिर उस पानी को उबालिए। जब वो पानी आधा बच जाए यानी कि सिर्फ 250 ml बच जाए, उस समय उसे नीचे उतार करके और उस पानी से आप जहां से दर्द हो रहा है वहां से सेक करें, यानी वो पानी कपड़े में लिया, कपड़ा भिगोया, हल्का गर्म है, उससे आप उसको वहां से सेक करें, वहां से अच्छे तरीके से धोएं, तो धीरे धीरे करके ये समस्या जो है वो बिल्कुल मिट जाएगी।